हे गुड मॉर्निंग। आज है 24 तारीख और आज का दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल इसीलिए होने वाला है क्योंकि एक फ्रेंड का इनविटेशन है एक बड़ा काम के लिए। वो थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा। और थोड़ा सैड भी लग रहा है क्योंकि माही आज जा रही है अपने मौसी का घर, मतलब आसनसोल जहाँ मेरा दीदी रहती है। और खाली माही नहीं, माही की मम्मी और मेरी बड़ी दीदी और भगना, ये चारों जा रही है। अभी फिलहाल इन लोगों को विद्यासागर स्टेशन छोड़ना पड़ेगा। और चलिए फर्स्ट लोकल जो हम लोग का 5:30 बजे है उसमें छोड़ने जाना पड़ेगा। अभी तो सुबह हो मतलब 4 बज रहा है और बहुत जल्दी मैं आज उठ गया हूँ, मतलब उठाया गया है हमको। चलिए तो उन लोगों को ट्रेन में चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं। ये रहा हमारा नज़दीकी रेलवे स्टेशन विद्यासागर, जहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी यहीं पर रहते थे। मतलब इतिहास का पन्ने को जगह अगर पलटा जाए तो यही निकलेगा। और काफ़ी प्रसन्न मतलब फेमस जगह है ये। इसका ब्लॉग भी काफ़ी सारा बन चुका है लेकिन मैंने अभी तक इसका ब्लॉग नहीं बनाया था। ऐसे आज ब्लॉग बनाने के लिए नहीं आया है, जस्ट फैमिली जा रहे हैं तो ऐसे आ गया। लेकिन विद्यासागर जी के बारे में अगर बोलना चाहेंगे तो एक बड़ा सा ब्लॉग हो जाएगा, वो भी कोशिश करूँगा कि एक दिन बनाने के लिए। और ये नया ओवरब्रिज बनने को जा रहा साइड में, एक पुराना उधर है ये है। चलिए अंदर चलते हैं। अभी तो बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया है मतलब स्टेशन का। पहले पुराना सा जब विद्यासागर जी यहाँ पर रहते थे और यही स्टेशन की लाइट में स्ट्रीट लाइट जो है उसमें पढ़ाई करते थे, जैसे सुनने में या फिर हम लोग पढ़े हैं। ये एक मालगाड़ी भी जा रहा है, कुछ डॉगीज भी यहाँ पर एकदम भोर में दिख रहा है। ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, 5 लगभग बजेगा, अभी 5:20 में यहाँ पर ट्रेन है और यही एक नंबर प्लेटफॉर्म में ही आएंगे। तो चलिए दीदी लोगों को ट्रेन में फिलहाल चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घर। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है स्टेशन देखने में। अरे दीदी कैमरा देखो दीदी उठा जी बोलो। अरे मिनी तो बड़ी कथा से मिनी तो बड़ी कथा है हैं लासान सोल चले। माही अभी खेलने में ही व्यस्त है, वो अजीब टाइप का लग रहा है। देख सकते हैं अपने मम्मी के साथ, इसको पता भी नहीं है अभी जा कहाँ रही है। अभी वहाँ पर जाने के बाद रोएगा, हमको डेफिनेटली पता है। एक दिन तो पूरा रोएगा, उसके बाद फिर एडजस्ट हो जाएगा। बस यही ट्रेन में चढ़ा दिए दीदी लोगों को और माही भी साथ में थी। अब ये लोग सीधा आसनसोल में उतरेगी, वहाँ से ऑटो रिजर्व करके दीदी का घर। चलिए अब घर निकलते हैं हम। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं वहाँ से लौट चुका हूँ, मतलब विद्यासागर रेलवे स्टेशन से। जो अभी मेरा जो वाइफ है दीदी है और भगना है और माही, ये चार अभी मेरा मझली दीदी का घर गया है आसनसोल। तो कुछ दिन वहीं पर रहेंगे क्योंकि घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, ये देख सकते हैं। तो इसीलिए बोले घर में थोड़ा शोरगुल भी होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा पूरे दिन के लिए उधर से घूम के आओ। और माही को थोड़ा डॉक्टर भी दिखाना है, तो ऐसे नॉर्मली चेकअप के लिए। तो देखते हैं 2-4 दिन उधर तो गया, और आज का मेरा टास्क यही रहेगा कि आज मिस्त्री आएंगे और ये देख सकते हैं छड़ काट के रखा है, ये सारा लिल्टन ये सब के लिए नापी करके बनाया जा रहा है, यही काम आज होगा। और शाम को लालमोहन के वहाँ पर इनविटेशन है, मतलब उसका जो पेट्रोल पंप है आज उद्घाटन होने वाला है, तो इसीलिए हम सबको बुलाया है। तो ऐसे ही सुबह से ही बुलाया था लेकिन बोले कि पूरा दिन तो कुछ काम नहीं होगा रहेगा नहीं, तो बोले कि चले रात में जाकर डिनर, सीधे डिनर में चलते हैं। तो वही लगभग 5 बजे 5:30 बजे निकलेंगे और 8-9 बजे तक घूम के आ जाएंगे। तो चलिए सीधे दिखाते हैं लालमोहन का वहाँ पर क्या फंडा है क्या नहीं, और पेट्रोल पंप किस तरीके से बना है, कितना कॉस्ट आया है उससे जानने का कोशिश भी करूँगा।
तो सीधे मिलते हैं लाल मोहन के वहाँ पर, मतलब पेट्रोल पंप में। तब तक बने रहिए मेरे साथ।